तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत है सुबह सुबह। तो बेसिकली मैडम ने कल कोरोना का सेकंड डोज लगाया, तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और खासकर रिधिमा जा रही है, उनकी तो छुट्टी करनी पड़ रही है क्योंकि इवनिंग में उसे लाना होता है, तो कोई जा नहीं पाएगा, इसलिए उसकी तो छुट्टी कर रहे हैं। और रिधिमा स्कूल जाएगी, वो तैयार हो रही है। बस यही आज का ब्लॉग है। तो रिधिमा के लिए थोड़ा सा नाश्ता मैंने प्रिपेयर कर दिया है। तो अब आप देखोगे इस नाश्ते में कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था इतनी जल्दी कुछ करने का, तो ये मैंने उसके लिए बना दिए हैं फ्राइड नूडल राइस। तो इसमें मैगी का थोड़ा सा पोर्शन डाला है, बाकी राइस हैं और कैप्सिकम है, ऑनियन है और पनीर है और बीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इसके लिए बनाया है। देखते हैं अभी रिधिमा को ये पसंद आता है कि नहीं। बस यही आज का ब्लॉग। और आप देखो बाहर सुबह सुबह वेदर भी जो है काफ़ी एकदम ज़बरदस्त हो गया है। यही ओस्लो का वेदर है, आप देखें कि आज बिल्कुल सुबह सुबह जो है बारिश, अर्ली इन द मॉर्निंग से बारिश शुरू हो गई है। और आप देखें एकदम आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, बालकनी में मैं लेकर आया हूँ। और ये देखें, तो ये टिपिकली नॉर्वे का टेम्परेचर है, ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाता है। तो आज आप देखो बिल्कुल बारिश है और बहुत ठंड है बाहर, आप देखें वेदर का हाल बहुत बुरा। बट ठीक है, यही एक वेदर है यहाँ का अपना। और अब ऐसे करके ये वेदर ठंडा होता चला जाएगा और कभी भी जो है बारिश होने की पूरी संभावना। तो बने रहिए ब्लॉग में, बस ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए कैप्चर करते रहूँगा पूरे दिन। अभी तो मेरी भी शुरुआत है, तो बने रहें ब्लॉग में। तो जी रिधिमा जो है आ चुकी है, तैयार हो चुकी है स्कूल जाने के लिए। तो रिधिमा गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी सेफ फ्रॉम उत्तराखंड जो है उनको वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन लगी है, तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ा। तो मैंने इनके लिए फ्राइड राइस विथ नूडल बना दिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अब मैं सिर्फ रिधिमा से पूछ रहा हूँ कि टेस्ट कैसा है। हाउ इज़ द टेस्ट रिधिमा? तो सैफ फ्रॉम नॉर्वे पास। तो सैफ फ्रॉम नॉर्वे पास हो गया भाई नाश्ता बनाने में। अब देखते हैं बाकी का शाम तक। अभी तो मैं नहा धो के अब जो है पूजा पाठ करके जो है अपनी ऑफिस की दुकान शुरू करता हूँ। और आप बने रहें ब्लॉग में शाम तक। अभी रिधिमा स्कूल जा रही है, ओम की छुट्टी कर दी है हमने, और बाकी फिर मिलते हैं शाम तक। आप बने रहें ब्लॉग में, ओके। वहाँ बाहर बारिश हो रही, मैंने दिखा दिया है, ठंड बहुत है, तो आपको भी जैकेट वैकेट पहन के जाना पड़ेगा। ओके, सी यू देन। देखो जी, आपको यहाँ पर मेढक की बड़ी अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है, फ्रॉग की। और ये वो विशेष प्रजाति के मेढक हैं जो आपको पूरे दुनिया में कुछ ही जगहों में मिलते हैं, और इनको यहाँ पर ला करके रखा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि वादा किया था कि मैं रेप्टाइल पार्क ओस्लो का विज़िट किया और वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे चीज़ें देखी हैं, तो आपके लिए मैंने शूट किया और उसका क्लिप यहाँ पर। अब आप देखो, ये दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्रॉग हैं जो मैंने रेयरली मुझे कभी देखने को मिले, बट यहाँ मैंने रेप्टाइल पार्क में ये फ्रॉग देखे। और इनमें से कुछ ऐसे फ्रॉग हैं जो वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल कलरफुल फ्रॉग में आते हैं, तो आप इन्जॉय करिए। और
इसमें दो या तीन या चार टाइप के फ्रॉक्स मैंने वहाँ पर देखे थे, तो वो मैंने आपके लिए कैप्चर करे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो नॉर्वे में हैं और रेप्टाइल पार्क विजिट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल मेमोरेबल चीज़ें हैं और आपने कभी देखी नहीं होंगी। इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे छोटे बंदर वहाँ पर हैं, और वो भी जो है दो तीन टाइप की वैरायटी उनकी। और आज के वीडियो में मैंने आपको फ्रॉग दिखाया, इससे पहले मैंने कुछ पाइथन कवर किए, अभी कुछ ब्यूटीफुल स्नेक्स भी मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप इन्जॉय कीजिए मेरे रेगुलर ब्लॉग के साथ इन क्लिप्स को, वीडियो क्लिप्स को, जो कि बहुत रेयरली चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आई हैव ट्राई टू कैप्चर फॉर यू एंड यू कैन इन्जॉय थ्रू माई ब्लॉग, डेली ब्लॉग। चलिए बने रहिए और बाकी चीज़ें भी आप ब्लॉग की इन्जॉय करें। क्या? What? I knew it. What do you know it? Nothing. Tell me what you did. Nothing. Tell me that. I can see the camera is on. No, but that doesn't matter. You should, I still not you do it. You should tell me what only you did. Only if the camera on and then I will see. Okay? After the camera. Yes, Mr. Aaj maine. आज मैंने टाइकमांडू सीखी और मैंने सीखी और दिस इज फनी बात, दिस इज फनी फनी बात, ओके। आई बिकम द पंचर पंचर, देन आई बिकम द बैग बैग बैगर, एंड देन आई बिकम द स्टीव 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 हैक्स 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 स्टीव हैक्स, देन Then I become the extreme day. What you have learned that you need to tell? I learned to be puncher puncher. Puncher puncher kya hota hai? What is puncher puncher? Punching in the bag. Punching in the bag. And I also learned how to be a bagger. Bagger kya hota hai? What is bagger? I go in the bag. A real bagger. Bagger. Aur kick kick kaun si kari? Side kick. I learned. साइडकिक जो हम खोलते हैं, साइडकिक स्पार्क, पापा साइडकिक को स्पार्क बोलते हैं, स्पार्क, ओके। और साइडकिक ये है, अच्छा, यम्मी, आई डिड इट, आई एम गोना होल्ड द कैमरा गाइस, प्लीज प्लीज आई वांट टू होल्ड द कैमरा, आई वांट टू होल्ड द कैमरा, ये तो ओके। तो आज कल मैं एग्जाम करूंगा टाइकमांडो में, और फिर एग्जाम होगा, हाँ टाइकमांडो में, हाँ तो एग्जाम होगा, शायद मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन उनने बोला टाइकमांडो का एग्जाम बहुत बार हुआ है, अगर एग्जाम मैंने बीट लिया, बीट लिया नहीं क्लियर किया, बोल क्लियर किया, या तो इंग्लिश बोल रहे हैं, बीट करा, if you beat, beat the exam kara. That's beat, how you beat kara to beat kara to fir mujhe trophy milegi ki medal mujhe nahi pata kyunki exam kal ke vlog mein hum dikhayenge ki gunnu ka kya hua. I might not win, okay, but I'm trying my best because I didn't win today. Okay, to dosto bas yahi aaj Om Tiwari ke sath gapshap थोड़ी देर मार ली है हमने, अभी ये आया है टाइकमांडो स्कूल से, और जो है आज स्कूल नहीं गया क्योंकि आज इसको लाने वाला कोई नहीं था, इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी शोभा जी की, और तो कोई लेने वाला नहीं था, तो इसलिए हमने जो है
इसको स्कूल नहीं भेजा। तो बस यही, आज बने रहें ब्लॉग में, देखें और कुछ चीज़ें जो है, कुछ वीडियो क्लिप जो है एनिमल्स के जो वहाँ से मैं लेकर आया हूँ वो भी मैं लगा रहा हूँ अभी, तो रेप्टाइल पार्क से। तो बस तब तक के लिए गुड बाय, एंड फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।